रूपा देह गांव में भारतीय किसान संघ द्वारा गौधन पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें परंपरागत तरीके से गौधन को रंगों से सजाया गया। उन्हें एकत्रित कर पूजा उनकी की गई, साथ ही समस्त ग्रामवासियों ने देशी गाय पालने और जैविक खेती करने का संकल्प लिया। किसान तू रहेगा सिद्धिमार्गा तहसील के ग्राम हिरणखेड़ा में परंपरागत गौमुखी तालाब पर गीत और नृत्य कर दीपावली का त्योहार मनाया गया। दूर दूर से आए गोली ग्वाल समाज के लोगों और ग्रामवासी हिरणखेड़ा तालाब से गौवंश की उत्पत्ति मानते हैं और इसे तीर्थ मानकर यहां एकत्रित होते हैं। 5 दिवसीय दीपोत्सव कार्यक्रम, भजन कीर्तन, पारंपरिक भजन, बांसुरी वादन सहित कई धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनका मानना है कि तालाब के जल से पशुधन स्वस्थ रहते हैं और उनके दूध में वृद्धि होती है। गंजबासौदा को वसुदेव की नगरी और देव नगरी कहा जाता है। यहाँ पर पंडापुरा में वृंदावन की तरह घर घर मंदिर देखे जा सकते हैं। यहाँ ज्यादातर परिवार ब्राह्मण हैं और घर घर मंदिर की परंपरा के चलते मंदिरों में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर प्रसादी दी गई। यहाँ दुबे परिवार का लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर बेहद प्राचीन है, यहाँ पर भी अन्नकूट का आयोजन रखा गया। तरफ से हमको इस योग बनाया कि हम जो है आज अन्नकूट का आयोजन कर रहे हैं और बिना किसी अन्य लोगों के सहयोग के हमारे परिवार के द्वारा ही हो रहा है और परिवार के मुख्य कर्तव्य। चलिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।